हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग फिर एक और बात करने लेकर अपने फेलोशिप की जो है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा। तो फर्स्ट स्टेप इन इंडिया के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। स्टेप इन इंडिया है क्या, उसके बाद हम लोग इस फेलोशिप के बारे में बात करना स्टार्ट करेंगे। तो स्टेप इन इंडिया जो भी है, वो जितनी करंट फेलोशिप अपॉर्चुनिटीज़ है वो प्रोवाइड करता है, जितनी भी रेलिवेंट सोशल सेक्टर जॉब्स या अपॉर्चुनिटीज़ होती है, इंटर्नशिप्स होती है, वो प्रोवाइड करता है। मतलब कि उसको बताता है कि आपकी इंफॉर्मेशन देता है। थर्ड है कि गवर्नमेंट यंग प्रोफेशनल जो प्रोग्राम्स होते हैं, इंटर्नशिप होते हैं, उसके बारे में जानकारी मिलती है। फोर्थ है कि फ्री मेंटरशिप सेशन मिलता है, लाइक जो भी सेशन होते हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराई जाती है। और फिफ्थ है कि हम जो हर एक संडे को 11 AM पे एक मेंटरशिप सेशन रखते हैं, जहाँ पे कोई फेलोशिप है, कोई भी सोशल सेक्टर जॉब्स रिलेटेड आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती है। सो स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ ये भी इंपॉर्टेंट है कि बाकी कौन कौन से फेलोशिप अवेलेबल है, तो अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो आप उसे अप्लाई कर सकते हो या फिर जिसका डेट्स अवेलेबल है। तो फर्स्ट जो फेलोशिप है वो है मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल का, 15 यंग प्रोफेशनल एक्ट मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स। तो यंग प्रोफेशनल की रिक्रूटमेंट हो रही है मिनिस्ट्री में, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी इसका वीडियो बनाया हुआ है। इसकी स्टाइपेंड जो है 60,000 पर मंथ है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है 30 यंग प्रोफेशनल जो है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में लिया जा रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन द्वारा, जिसकी जिसका भी वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर है, आप उसको जाके चेक कर सकते हो। 70,000 पर मंथ उसकी स्टाइपेंड है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग बात करना, जिसका हमारा मेन मोटिव है यंग इंटर्न्स प्रोग्राम, जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के एक काफ़ी अच्छा फ्लैगशिप प्रोग्राम इसको बोला जा रहा है। काफ़ी अच्छा ये प्रोग्राम चला जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का, तो इसके बारे में चेक कर सकते हैं। तो इसका जो मेन पेज है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का, YIP का, वो ये वाला पेज है। इसके मैं लिंक दे दूंगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन, आप यहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं, जहाँ पर आपको गाइडलाइंस क्या है, एडवर्टाइजमेंट क्या है, अप्लीकेशन को कैसे फिल करना है, और सैम्पल अप्लीकेशन फॉर्म ऑफ डिस्ट्रिक्ट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी। तो आप इस लिंक को प्लीज जाके चेक कर लेना नीचे जाके। तो इसके बारे में चलिए जान लेते हैं यंग इंटर्न्स प्रोग्राम के बारे में। ये जो है, ये फर्स्ट है कि डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टेटिस्टिक्स के द्वारा ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और इसमें जो सिलेक्शन की क्या क्या प्रोसीजर है, इसको एक बार देख लेते हैं। जो गवर्नमेंट है, ये जो प्रोग्राम है, ये ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के द्वारा है कि 250 यंग इंटर्न्स को लेना है, ठीक है। और जो इंटर्न जो डिप्लॉय होंगे, वो जितने भी डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं, थर्ड थ्री टीयर या फिर टू टीयर में, वहाँ पे इसको डिप्लॉय किए जाएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात की जाए तो फर्स्ट है 21 से आपकी एज जो है 21 ईयर्स मिनिमम और 30 ईयर्स मैक्सिमम होनी चाहिए। कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन, इंटरपर्सनल स्किल्स, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज की अच्छी सी आपको रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। MS ऑफिस और अदर सिमिलर प्रोग्राम्स की जानकारी होनी चाहिए आपको। अगर ये एजुकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो फर्स्ट है कि PG जो है आपका 60% मार्क्स होने चाहिए, या फिर CGPA जो है 6 होना चाहिए ऑन ए स्केल ऑफ 10 फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ग्रेजुएशन जो है आपका इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, CA, CS, सिस्टम, कोई भी यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी का होनी चाहिए। 60% इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ इंटर्नशिप, इंटर्नशिप का ड्यूरेशन है वो 1 साल का रहेगा, 1 ईयर यू ड्यूरेशन है। बट आफ्टर इंटरनल असेसमेंट, लाइक अगर जो भी वहाँ पे आपके ऊपर जो सीनियर है उन्हें लगता है कि थोड़ा सा और डेट एक्सटेंड करना चाहिए, क्योंकि कुछ जैसे कुछ प्रोजेक्ट होते हैं जिसका डेट थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है, मान लीजिए 6 महीने एक्स्ट्रा हो गया, तो वो आपको एक्सटेंड किया जा सकता है। बट नॉर्मली इस प्रोग्राम की जो भी है वो 1 ईयर की है। मेंटर्स में कहूँगा तो फर्स्ट इसमें जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वही इसका लाइक मेन इसमें मेन लीड रोल प्ले करेगा, लाइक मेन उसके साथ आपका काम रहेगा। बट जो भी प्रोसेस होगा, आप किसी सीनियर लेवल के जो भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में, उन्हें एक साथ आप काम कर रहे होगे यहाँ पे। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, ये इंपॉर्टेंट होता है यंग इंटर्नशिप प्रोग्राम की। तो फर्स्ट ये है कि अप्लीकेशन विल बी इन्वाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स बाई द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, ठीक है। आप यहाँ पर अप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, फिर वो जो जाएगा वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जाएगा, और वहाँ पे स्क्रूटनी होगा अप्लीकेशन का। आई थिंक उसके जो सीनियर लेवल है वो स्क्रूटनी करेंगे। उसके बाद ग्रुप डिस्कशन होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा, जो कि बोर्ड ऑफ 3 मेंबर्स का, 3 ऑफ बोर्ड मेंबर्स के सामने आपका इंटरव्यू होगा, और ग्रुप डिस्कशन भी होगा, जिसमें एक चेयरमैन होंगे, 2 मेंबर्स होंगे, और जो रैंक होगी उन लोगों की जो आपके साथ जो पैनल होंगे उसकी मिनिमम SDO रहेगी, मतलब वो SDO से ऊपर ही रहेंगे, SDO हो सकते हैं, जो आपका जो प्रोसीजर वो पैनल मेंबर का रहेगा, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ इंटर्नशिप की अगर बात की जाए तो ये इंटर्न्स, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि डिस्ट्रिक्ट Tier 2 Tier 3 के जो भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के साथ उनको डिप्लॉय किया जाएगा, ठीक है। आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ इंटर्नशिप ऑफ इंटर्न विल हैव टू सबमिट अ रिपोर्ट, आपको रिपोर्ट जो है सुपरवाइजर जो नोडल ऑफिसर आपको उसको सबमिट करनी पड़ेगी, ठीक है। और उसको जो है जो भी रिपोर्ट है उसको मेंटर विथ रिकमेंडेशन ऑफ अप्रूवल एंड डिसअप्रूवल, वो बाकी आगे के देखा जाएगा आपको आपने सही से काम करा है कि नहीं करा है।
सर्टिफिकेट की बात की जाए तो द इंटर्न्स हुज फाइनल रिपोर्ट्स जो आपको है वो आपको इंटर्नशिप सर्टिफिकेट मिलेगा, जैसे मैं DES के द्वारा डायरेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स जो इसका प्रोग्राम है जो डेवलप कर रही है उनके द्वारा आपको गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का एक इंटर्नशिप सर्टिफिकेट मिलेगा। स्टाइपेंड की बात की जाए तो स्टाइपेंड जो आपका सिलेक्टेड इंटर्न्स को जो है 30,000 पर मंथ का स्टाइपेंड मिलेगा, उसके साथ में 2,500 रुपीज़ का पर मंथ आपको लैपटॉप कनेक्टिविटी लाइक इंटरनेट चार्जेस के लिए, फिर डेटा कार्ड जो भी चीज़ के लिए उसके लिए एक्स्ट्रा से 2,500 मिलेंगे। मतलब टोटल जो फेलोशिप का आपको इंसेंटिव दिया है जो स्टाइपेंड मिलेगा वो 32,500 मिलेगा, ठीक है। इसके साथ में कुछ छुट्टीज इसमें हॉलीडेज हैं, लीव है आपके पास 12 है लीव्स मिलेंगे आपको इंटायर ईयर में जैन टू दिसंबर। टर्मिनेशन ऑफ इंटर्नशिप लाइक आपको लाइक कुछ इनकी गाइडलाइंस है, अगर आप उस पर अगर सही से नहीं करोगे तो आपको फिर डिसमिस भी किया जा सकता है इस इंटर्नशिप में। एक और चीज़ है कि यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन किया गया कि जो भी इंटर्नशिप है वो ऐसा नहीं कह रहा है कि आपको फुल टाइम के लिए यहाँ पे इम्प्लॉय कर लिया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा, मतलब ये सिर्फ इंटर्नशिप है और 1 साल रहेगा। और अगर जैसे मैंने बताया अगर प्रोजेक्ट अगर एक्स्ट्रा टाइम लेता है तो थोड़ा सा उसको एक्सटेंड किया जा सकता है 6 महीने के लिए, 5-6 महीने के लिए, जैसा यहाँ पे बताया गया मैं उसके अनुसार आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। अब जानते हैं कि इसका अप्लीकेशन प्रोसेस को फॉरवर्ड कैसे करना है, लाइक कैसे अप्लीकेशन फॉर प्रोसेस करना है आपको। तो इंस्ट्रक्शन यहाँ पे ये है कि फर्स्ट आपको एक पोर्टल है, SSO पोर्टल है इनका, मैं भी आपको वहाँ पे दिखा दूंगा, SSO पोर्टल है वहाँ पे जाना है, वहाँ पे लॉग इन करना है आपको, या फिर आप लॉग इन नहीं कर पाए तो रजिस्ट्रेशन वहाँ पे आपको आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है आपको भरना पड़ेगा। फिर आप सिटीजन ऐप लाइक G2C होता है वहाँ पे जाना है, फिर यहाँ पे यंग इंटर्न्स प्रोग्राम को चूज़ करना है। जब आप वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे सारी डिटेल्स जो है वहाँ पे वो आपको भरना है, ठीक है। द एप्लीकेंट विल हैव टू टाइप इंटेंट राइट अप, मतलब वहाँ पे कुछ कुछ जो है वहाँ पे एक्स्ट्रा एप्लीकेशन लाइक वाई डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन दिस फेलोशिप और कुछ केस स्टडी क्वेश्चन भी वहाँ पे हो सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स आप जब एप्लीकेशन फॉर्म भरने जाए तो अपना प्रूफ ऑफ का एज जो है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है, एक्सपीरियंस एट द टाइम ऑफ ग्रुप डिसीजन, सारी चीज़ें अपना अवेलेबल रखिएगा, उसके बाद अप्लाई करिएगा क्योंकि वहाँ पे वो लिया जा सकता है आपसे, ठीक है। तब चलिए इनका पोर्टल देख लेते हैं। तीन का राजस्थान SSO पोर्टल है, सिंगल साइन ऑन। तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ पे फर्स्ट करना पड़ेगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा आप सिटीजन है, उद्योग है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ठीक है। और जब आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो यहाँ पे एक G2C, ठीक है, G2C यहाँ पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे इस ऑप्शन पे जाओगे तो यहाँ पे उसके जाने के बाद फॉर्म फिलअप करोगे जो कि यहाँ पे YIP 2023 का है। तो आप ये मैं इसकी भी डिटेल्स डाल दूंगा, तब ये दोनों तीनों चीज़ें चेक कर लेना आप फॉर्म फिलअप करने से पहले, और यहाँ पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म फिलअप कर देना। बाकी कोई भी रिक्वायरमेंट अगर आपको होती है तो प्लीज़ आप स्टेप एंड इंडेक्स कनेक्ट कर सकते हो, और जो भी मेंटरशिप चाहिए वो हम लोग प्रोवाइड कर देंगे आपको, कि अगर कोई प्रॉब्लम आपको फॉर्म फिलअप प्रॉब्लम आ रही है या फिर आपको जब फर्स्ट राउंड सिलेक्शन हो गया तो ग्रुप डिस्कशन या फिर पोस्ट इंटरव्यू में कोई भी हेल्प चाहिए तो बिल्कुल आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हो। आप मेंटरशिप सेशन जो 11 AM का होता है वहाँ पर जुड़ सकते हो या फिर सीधा हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।